जय माता दी। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि की डेकोरेशन। तो आप देख सकते हैं मैंने एक दुपट्टे के ऊपर पिन की सहायता से ये सभी डेकोरेटिव आइटम को एक एक करके सजा लिया है। ये सभी डेकोरेटिव आइटम्स मैंने मीशो से खरीदे हैं, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको अच्छे लगते हों तो आप इन्हें खरीद सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने चौकी लगाई, एक थाली में मैंने अष्टदल कमल बनाया और एक लोटे के ऊपर नारियल को रख के और उसके ऊपर इस तरीके से मैंने एक हैंगर टाइप का लगाया है। ये भी मीशो में मिलता है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इससे फूल माला लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आप किसी भी तरह की माला है, मोतियों की माला है, सब कुछ माता रानी को पहना सकते हैं। किसी भी तरीके से आप जो अपना जो नारियल है जो स्थापित कर रहे हैं कलश, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सजा सकते हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी पूजा का आइटम माता रानी के अगल बगल आप लगा दीजिए तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ये सभी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से लगाई हैं और आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ये देखिए फूल हैं, आर्टिफिशियल फूल हैं जो कि दिखने में इतने सुंदर लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। मतलब आप असली फूलों के साथ इन आर्टिफिशियल फूलों को लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। यहाँ पे मैंने दिया भी जलाया है और बिना लाइट्स के तो डेकोरेशन अधूरी है, तो आप लाइट्स जरूर लगाएं, इससे मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है।